वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका CISF हेड कांस्टेबल के ऊपर रहेगा, जिसकी 429 पोस्ट निकली थी और जिसके फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और देखिए इसका एग्जाम जो है वो 12 जुलाई से स्टार्ट होगा। अगर सब सारी कंडीशन ठीक रही, आगे चल के कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो खत्म हो गया, सभी कंडीशन एकदम ओके रही, तो आपका एग्जाम जो है डेफिनेटली 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा मैंने आपको टाइम टेबल बताया है, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको जाकर देख लेना। पूरे 25 प्रश्नों का हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर सभी चीज़ें इंक्लूड की हैं, यानी कि आपका एक कंबाइंड बिल्कुल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। देखना आपकी तैयारी कितनी है, आप यहाँ पे कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए ही है, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आपको अगर ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर देना और वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना है। पहला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं वो हैं भद्रबाहु। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो था सातवाहन। और देखिए सातवाहन के समय में मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था, जो है सीसे के सिक्के सबसे ज़्यादा सातवाहन के समय में हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीसे के सिक्के सबसे ज़्यादा सातवाहनों के टाइम में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में कहाँ हुई है? तो ये हुई है पंतनगर में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन हो चुका है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इम्पॉर्टेंट है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन सी जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, एक्चुअली मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मछलियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इक्थियोलॉजी, ऑप्शन सी अगर आपने चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और देखिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, अगर आप CISF हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपको हिंदी के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको मैथ के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर हम GK की सीरीज ही कंटिन्यू रखे हैं, ठीक है। और अगर मैथ में कोई वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, तो आप टॉपिक का नाम भी कमेंट करेंगे तो भी ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है, तो कौन सी है वह धातु? वो धातु है गैलियम, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं, ऑप्शन बी चूज किया है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, भाग 4 में मिलता है आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, ठीक है, और ऐसे ही आता है एक भाग 4A, ठीक है, इसके अंदर मिलता है आपके मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके लिए गए हैं USA से, यानी कि अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो उपनाम से क्वेश्चन है, और देखिए उपनाम से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, तो सांपों का देश किस देश को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं ब्राज़ील को, ऑप्शन डी चूज किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आप लाइक नहीं करते, आपके लाइक से तो मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। शुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वो है अनुच्छेद 36 से 51 में, और इसकी जो परिभाषा है वो है राज्य के कल्याणकारी उद्देश्य के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, 36 से 51 के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं, और 51 एक ही मैं फिर से बात करूँगा, तो उसके अंदर क्या आएंगे? हमारे मौलिक कर्तव्य आएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट का, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा के सभी मेंबर करते हैं, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है ये शपथ नहीं लेता, आपको पता होगा,
ठीक है, ये आम आदमी की तरह जो है शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। 13, किसने हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, ये आपका करंट अफेयर है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, वो ली है मोहिउद्दीन यासीन ने, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है? तो देखिए, स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है UNHCR संस्था ने, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, ओपेक तो आपको पता होगा, ओपेक क्या है, ये पेट्रोलियम संबंधित है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी ओपेक की, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वीना में है। यूनिसेफ भी आपको पता है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, USA में है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। और देखिए, एक और कल मैंने मिसाइल बताई थी आपको, मैंने बताई थी, वो बताई थी मैंने शाहीन फर्स्ट, कौन सी थी, शाहीन फर्स्ट, यानी कि शाहीन का पहला संस्करण था, शाहीन मिसाइल का पहला था, और वो भी किसने किया था, वो भी किया था पाक ने, पाकिस्तान ने। और ये रॉड 2 जो मिसाइल है, इसका भी सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पड़ोसी देश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने चाहिए, जो कि आपका चीर प्रतिद्वंदी देश है, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत नई नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। गर्मदलीय आंदोलन का पिता बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के अधिकांशतः अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो देखिए, प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मणी लिपि के अंदर है, ठीक है। और देखिए, बौद्धों की जो भाषा थी वो क्या थी, पाली थी। अशोक ने भी क्या था, बौद्ध धर्म अपना रखा था, बट आप ध्यान रखेंगे इसके जो अभिलेख हैं वो बौद्ध भाषा में नहीं है, आप ये ध्यान रखेंगे, कभी आप बौद्ध को कर दें। प्राकृत भाषा है और ब्राह्मणी लिपि है, और ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, और जो अशोक के शिलालेख हैं वो ब्राह्मणी भाषा में लिखे थे, तो उसने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को ही पढ़ा था, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की डैश होती है। तो कोई वस्तु जहाँ पे वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल शून्य शून्य स्वतंत्र अवस्था में नीचे गिरेगा, तो उसका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो हमेशा समान रहता है, ठीक है। और त्वरण का फॉर्मूला आपको पता होगा, जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं, U-V/T, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, और देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 20 है, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है, ठीक है, कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? मूंगफली का टिक्का रोग कवक से होता है, गन्ने का लाल सड़ंग रोग भी कवक से होता है, बाजरे का ग्रीन ईयर रोग भी कवक से होता है, बट तंबाकू का मोजेक रोग जो है यह कवक से होने वाला रोग नहीं है, यह होता है वायरस से, ठीक है, ये आप इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो देखिए, हम सांस लेते हैं, हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अब ऑक्सीजन तो वायु को प्रदूषित करेगी नहीं ना, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, O2 होता है ऑक्सीजन का सूत्र, और O3 अगर कहीं लिखा जाए तो ये होता है हमारा ओजोन का सूत्र, ठीक है। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी SN बनर्जी ने। 23, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? और देखिए, हिंद महासागर में बहुत सारे द्वीप हैं, सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिएगा, एक और बात बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारी प्लेलिस्ट का, CISF हेड कॉन्स्टेबल के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, करीब 47+ वीडियोज़ हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उसके अंदर मैथ भी है, आपकी GK के टेस्ट भी हैं, तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप आई बटन पे प्रेस करेंगे तो भी वो आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है? ठीक है, अभी 2020 का क्वेश्चन है और ये मार्च का क्वेश्चन है, तो ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। 25 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट है, केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है?
तो मुख्य एजेंसी कौन सी होगी, तो वो है हमारा वित्त आयोग, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद करूंगा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।